तो आपका स्वागत है जी एकेडमी में बगतुल्लू यूनिवर्सिटी से पीएचडी एच एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी तो आप देख सकते हैं इसका सिलेबस पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है ये दो घंटे का पेपर होगा हंड्रेड क्वेश्चनस रहेंगे चलिए अपन देख लेते हैं और ये जो पेपर होगा पार्ट ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी तो होगी जिसमें फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट बी में जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे फिफ्टी क्वेश्चंस पार्ट ए और पार्ट बी दोनों फाइव फाइव यूनिट्स में डिवाइड रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी चलिए अपन देख लेते हैं पार्ट ए में क्या क्या है सिलेबस इस सिलेबस को आप बी की साइट में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मतलब बी मतलब बरकतुल्लन यूनिवर्सिटी के साइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स रहेगा फिफ्टी और रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं यूनिट वन नेचर ऑफ सोशल रिसर्च इंपॉर्टेंस एंड यूज एंड डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड अपलाइड रिसर्च साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च नेचर एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल टेक्निक्स फॉर द कंट्रोलिंग एंड एक्सटर्न वेरिएबल सोर्स ऑफ वेयर्स थ्रेट्स ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वेलिडिटीज इसी तरीके से सेकेंड यूनिट है सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट सैम्पलिंग मैथड ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटीज एंड नॉन प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स करैक्टरिस्टिक मैथड है ना मैथड यहाँ यहीं तक मैथड ऑफ डेटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू एंड सर्वे मैथड केस स्टडी ये सारे हैं सैम्पलिंग कलेक्ट करने के यूनिट थर्ड है यूनिट रिसर्च रिसर्च डिज़ाइन मीनिंग एंड परपज बिटवीन द ग्रुप ग्रुप डिज़ाइन विथ इन ग्रुप डिज़ाइन एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन रैंडम ब्लॉक डिज़ाइन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन इस तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नेचर एंड टाइप्स इसी तरीके से यूनिट फोर्थ है बेसिक स्टैटिकल मैथड जिसमें मेजर ऑफ सेंटर टेडेंसी एंड वेरिएबिलिटीज पैरामेट्रिक टेस्ट टी टेस्ट एनोबा टेस्ट कोरिलेशन और ऑल मैथड सिंपल रिग्रेशन मैथड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट साइन टेस्ट यू टेस्ट एंड द काई टेस्ट इसी तरीके से यूनिट फिफ्थ है यूनिट फिफ्थ में क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स नेचर कंटेंट एनालिसिस डिस्कोर्स एनालिसिस यूज आप कंप्यूटर एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च इथिकल गाइडलाइंस रिपोर्ट राइटिंग एंड ए पी ए फॉर्मेट साइकोलॉजी बी मतलब आपके पार्ट बी में आपके आपके पी जी में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था आपने साइकोलॉजी लिया था तो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में फिफ्टी क्वेश्चनस रहेंगे इसमें यूनिट फर्स्ट की बात कर लेते हैं जिसमें कॉर्गिनेटिव फो प्रोसेस है ये सारी चीज़ें क्लासिकल हो गया इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो गया गयाफोर्समेंट एंड टाइप्स है ना कॉन्सेप्ट अटेंशन टाइप्स ऑफ अटेंशन डिवाइडेड अटेंशन सेलेक्टिव अटेंशन थ्योरी ऑफ अटेंशन स्पीच परसेप्शन एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन मेमोरी कॉन्सेप्ट है ना टाइप्स एंड मॉडल ऑफ मेमोरी करेक्टिविटी एंड इट्स डिफिनेशन एंड इट्स अप्रोचेस यूनिट टू सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरिटिकल अप्रोचेस जेनेटिक एंड लर्निंग कोअर्गिनेटिव इसी तरीके से ये बहुत सारा है इसमें आप देख सकते हैं जो कि आप यदि मैं वीडियो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगा इस वजह इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर ना क्राउडिंग एंड अर्बन स्ट्रेस क्राउडिंग एंड अर्बन स्ट्रेस आर्किटेक्चरल एंड सोशल बिहेवियर एंडन रिस्पॉन्स टू प्रोटेक्ट द इन्वयमेंटल है ना यूनिट थ्री है हैलिटी डिफिनेशन एंड द अप्रोच टू पर्सनलिटी साइको एनालिटिकल थियोरी फ्राइड एडलर जंग एंड इरेक्शन ट्रेड अप्रोचेज ऑल फ्रोड कैचल एंड द बिहल ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज मास्लो एंड द रोजर्स इसी तरीके से यूनिट फोर्थ है साइकोपैथोलॉजी मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज डी एस एम आई सी डी एनजाइटी डिसऑर्डर जी ए डी ओ सी डी फोविया एंड अ पी टी एस डी इट्स अ कॉज एंड सिम्टम्स इसी तरीके से टाइप साइंस के सेजो कॉज एंड सिम्टम्स मूड डिसऑर्डर इट्स अ टाइप एंड अ कॉज सिम्टम्स मेंटल रिटार्डेशंस सबिस्टेंस एव्यूज़ ये सारी चीज़ें हैं इसमें यूनिट फिफ्थ की बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल असमेंट डिफिनेशन नेचर एंड यूज ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट रेटिंग स्केल टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिक टेस्ट रिलाईबिलिटी वैलिटीज कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ स्टेप टेस्ट कंस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द इंटेलिजेंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्टिंग है ना, ना पर्सनालिटी असेसमेंट सेल्फ रिपोर्ट पर्सनालिटी इन्वेंटरीज मेजर मेजरिंग इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड प्रोजेक्ट टेस्ट जिसमें रोशाक टैट सेंटेंस कॉम्पलेशन टेस्ट फॉर द स्पेशल पॉपुलेशन अब अभ, अब हम हिंदी में देख लेते हैं ये हिंदी में बाइलिंग्वल है इसमें फिफ्टी क्वेश्चंस रहेंगे इकाई फर्स्ट में समाज के अनुसंधान का स्वरूप महात्ोपयोग एवं व्यवहारिक अनुसंधान के बीच अंतर भिन्न भिन्नताएँ विज्ञान और शोध विज्ञान की विशेषताएं वैज्ञानिक शोध संपद, संपदान की प्रक्रिया और चर का स्वरूप एवं वाय सरों चरों के नियंत्रण को तकनीकी पक्षपात के स्रोत और वाद्य वैधता की चुनौतियां यूनिट टू है प्रतिचयन क्या होता है यूनिट थ्री है अनुसंधान अभिकल्प क्या है उसका अर्थ और जितने भी अविकल्प हो जैसे आंतरिक समूह अविकल्प हो गया कार्यकी अविकल्प हो गया द्राक्षिक खंड अविकल्प हो गया यूनिट चार है आधारभूत सांख्यिकी विधियाँ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप विचलनशीलता टी टेस्ट इनोवा टेस्ट सह संबंधनात्मक विधि सहजता प्रतिगमन विधियाँ अपराचालिक परीक्षण साइन टेस्ट यू टेस्ट एंड काई टेस्ट इसी तरीके से फिफ्थ यूनिट है गुणात्मक विधियाँ प्राकृतिक अंतर वस्तु विश्लेषण वार्तालाप विश्लेषण मनोवैज्ञानिक शोध में कंप्यूटर का उपयोग नैतिक दिशा निर्देशन ए पी ए फॉर्मेटम रिपोर्ट प्रतिवेदन ठीक है यूनिट सॉरी अब हम बी पार्ट बी की बात कर लेते हैं जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे इकाई फर्स्ट में संगणात्मक प्रक्रियाएँ हो गई शास्त्रीय नैमित्त्य अनुबंधन पुनर्बलन और प्रकार अवधान का सम्प्रत्य ध्यान के प्रकार विभाजित ध्यान चयनात्मक अवधान अवधान के सिद्धांत ये सारी चीज़ें हैं अब यूनिट टू की बात कर लेते हैं समाज मनोविज्ञान क्या होता है और सैद्धांतिक उपागम क्या है अनुवांशिक अधिगम संगणात्मक मनोविश्लेषण और भूमिका सिद्धांत केली वाइनर गुणोपण सिद्धांत केलियन वाइनर भीड़ शहरी प्रतिबल क्या होता है वास्तुशास्त्री सामाजिक व्यवहार पर्यावरण संरक्षण के माननीय प्रयास इकाई तीन है व्यक्तित्व परिभाषा व्यक्तित्व के उपागम मनोविश्लेषात्मक सिद्धांत फ्रायड एडलर युगनइरक्शन शील शील गुण उपागम आलपोर्ट और कैटल के क्या क्या हैं व्यवहारात्मक उपागम मानवतावादी उपापन मास्लोन रोशार्क इसी तरीके से इकाई फोर है मनोवेदियाँ असमानताओं के मॉडल मनोरोगों की वर्गीकरण डी एस एम आई सी डी दुश्चिंता मनोवृत्ति जी ए डी ओ, ओ एस डी फोनिया पी टी एस डी कारण और लक्षण विधि लता प्रकार कारण लक्षण मनोदशा विकृति प्रकार कारण लक्षण मानसिकता मानसिक मंदता द्रव्य निर्भरता ये सारी चीज़ें आएंगी यूनिट्स फोर्थ में यूनिट फिफ्थ में क्या है मनोवैज्ञानिक मापन परिभाषा स्वरूप मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग श्रेणी निर्धारण प्रमापनी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार विश्वसनीयता वैधता प्रत्यय प्रकार परीक्षण निर्माण परीक्षण निर्माण कैसे करते हैं चरण है ना और बुद्धि का स्वरूप व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण व्यक्तिगत मापन आत्म आत्ममापनि प्रतिवेदन व्यक्तित्व तो की अनुसूचियाँ मापन ये सारी चीज़ें आएंगी जिसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आएगा रोस रोशे रोशाक टी ए टी वाक्यपूर्ति विशिष्ट जनसंख्या परीक्षण ये सारी चीज़ें आएंगी किसमें साइकोलॉजी के हिंदी सिलेबस में के मतलब जैसे हिंदी में हिंदी मीडियम वाले सिलेबस में साइकोलॉजी पार्ट बी में ये सारी चीज़ें आएंगी ठीक है और आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वी के साइट में जाकर